please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तेल कंपनियों ने आज लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल आज फिर 36 पैसे महंगा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 77 रुपए 83 पैसे और डीजल के दाम 68 रुपए 75 पैसे हो गए हैं। बाजार पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल और डीजल अब तक कभी इतना महंगा नहीं बिका। मुंबई में पेट्रोल 85 रुपए 65 पैसे का बिक रहा है, जबकि डीजल 73 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया है। लखनऊ में पेट्रोल 78 रुपए 35 पैसे और डीजल 68 रुपए 91 पैसे पर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल के दाम बढ़कर 80 रुपए 80 पैसे और डीजल 72 रुपए 58 पैसे हो गया है। रोजाना पेट्रोल और डीजल पर 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर और आप देख सकते हैं यहां पर एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं जो आज पेट्रोल प्रति लीटर 77 रुपए 87 पैसे बिक रहा है, तो वहीं जो डीजल है वो 68 रुपए 79 पैसा बिक रहा है यहाँ पर दिल्ली में। तो जाहिर तौर पर इससे जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जिस कदर रोजाना पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई हो रही है, इससे ज्यादा रेट में कभी भी नहीं बिका पेट्रोल और डीजल। सर ये बताइए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह से? प्रॉब्लम तो कोई नहीं, पर ये है कि जी हर 10 दिन बाद बढ़ जा रहे हैं। कम तो कुछ होते नहीं, ज़्यादा ही होते जाते हैं। 1 रुपये कम कर दिया, 4 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए। सर आप कब से हैं इस पेट्रोल पंप में नौकरी? मुझे 25 साल हो गए इस पंप पे। 25 साल में कभी इतना ज्यादा दाम पेट्रोल और डीजल का आपने देखा था? नहीं, पहले इतना रेट नहीं था। अब पर डे रेट बढ़ रहा है, कल भी रेट बढ़ा था, आज भी रेट बढ़ रहा है। तो पब्लिक को तो मारामारी लग रही है, क्या करें? जो पब्लिक यहाँ पर भराने के लिए पहुँचती है पेट्रोल डीजल, आप उसे कुछ कहती है कि ये बढ़ क्यों रहा है? वो तो बोलते हैं, हर कस्टमर बोलते हैं, रेट को देख के कहते हैं आज इतना रेट हो गया, इतना रेट हो गया। पर हमारे हाथ में थोड़ी गवर्नमेंट बढ़ा रही है कि नहीं जी? वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग की लपटें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और इसमें माया नगरी मुंबई सबसे ज्यादा झुलस रही है। आज भी डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है हम आपको दाम दिखाते हैं पहले पेट्रोल का। पेट्रोल का जो दाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 रुपए 61 पैसे। कल जो दाम जो है 85 रुपए 29 पैसे के आसपास था, आज 81 रुपए 61 पैसे तक पहुंच चुका है, यानी कुल मिला के 31 से 32 पैसे की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा डीजल का जो दाम है मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, 73 रुपए 15 पैसे आज के डीजल का दाम है, जबकि कल का जो दाम था वो 72 रुपए 96 पैसे के आसपास था, यानी कुल मिला के 19 पैसे की वृद्धि जो है डीजल के दामों में आज भी वृद्धि दर्ज की गई है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर जो है डीजल और पेट्रोल के दामों में जो वृद्धि लगातार हो रही है उसके चलते कितना असर पड़ रहा है। सर, डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, एकदम पैसा खाली हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ दुनिया में सबसे कीमती इधर इंडिया में ही है और सैलरी भी इतना नहीं है। अभी तक कितने का पेट्रोल आप महीने भरवाते थे, लेकिन दाम लगातार 3 से 4 रुपए एक हफ्ते में बढ़ चुके हैं, तो कितना फर्क पड़ा है, कितना ज़्यादा पड़ रहा है? 3-4 हज़ार का फर्क पड़ता है, 3-4 हज़ार रुपए का फर्क पड़ रहा है। कैमरामैन सुमंगल के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण डॉलर की तुलना में इंडियन करेंसी की थोड़ा घटने के कारण तेल की दामों में थोड़ा उछाल आई है। भारत सरकार इसको ध्यान में रखी है, संज्ञान में रखी है, बड़े संवेदनशील तरीका से उसको हम संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं पूरा आशावादी हूँ हम कुछ ना कुछ रास्ता जिसमें मध्यवर्गीय लोग, सामान्य लोगों को तेल की इस बढ़ती हुई दाम ना चुभे, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को हमने नज़र रखा है, सारा विषय में कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। हर रोज़ अगर हम देखेंगे तो हर रोज़ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का बीजेपी सरकार का प्लान बहुत दिनों से है, लेकिन कर्नाटक के जब चुनाव थे तब एक दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने बढ़ाए नहीं, क्योंकि वोटिंग होने तक कर्नाटक के जनता के वोट इनको चाहिए थे, और इसलिए उस दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने बढ़ाए नहीं। न्यू इलेक्शन आएगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम ये बढ़ाएंगे नहीं, इलेक्शन ख़त्म होगी तो पूरी तरह से हर रोज़
हर रोज पेट्रोल और डीजल बढ़ाना ये सरकार का एजेंडा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के एक प्रदर्शन में पार्टी के कुछ कार्यकर्ता घोड़े पर सवार होकर विरोध दर्ज करवाने पहुंच गए। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतें कम करने की चुनौती दे दी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में घोड़े पर सवार होकर शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम कर रहे थे। हालांकि पहले से मुस्तैद पुलिस वालों ने बिना वक्त गवाए घुड़सवार बने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक लिया। मार्च रुकते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पार्टी का झंडा लहराना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार ने तेल के दाम आसमान पर पहुंचाकर लोगों को वापस घोड़े की सवारी के लिए मजबूर कर दिया। मोदी सरकार ने डीजल पेट्रोल का भाव इतना महंगा कर दी, तो अभी वक्त आ गया कि घोड़े पे सवार होके हम हिंदुस्तान में यात्रा करें। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के पुराने ट्वीट की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। ये ट्वीट यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में किए गए थे। मोदी सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी जोर शोर से हिस्सा लिया। इस दौरान कुछ लोग सिर पर सिलेंडर उठाए भी सामने आए। हालांकि कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कई पार्टी कार्यकर्ता बिना हेलमेट ही मोटरसाइकिल पर सवार दिखे। लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन सिर्फ मुंबई की सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने भी बिना वक्त गवाए मोर्चा खोल दिया। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि प्रिय पीएम, अच्छा लगा कि आपने विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर लिया। एक चैलेंज मेरी तरफ से भी, तेल की कीमतें घटाइए, नहीं तो देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और उसके बाद आपको ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? पेट्रोल डीजल की कीमतों को कांग्रेस लगातार बड़ा सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है, जो आगे 2019 में भी उसके काम आए। पाकिस्तान के एक और जिंदा आतंकी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिशों का खुलासा किया है। लश्कर के जिंदा गिरफ्तार जबीउल्लाह उर्फ हमजा नाम के इस आतंकी को सुरक्षा बल ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। जबीउल्लाह ने कैमरे के सामने कबूल किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, जबीउल्लाह ने इस बात को भी कबूल किया कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंक की नर्सरी चलती है और ये ट्रेनिंग आतंकी हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी की देखरेख में चलती है। मेरा नाम जबीउल्लाह हमजा है और मेरे वालिद का नाम सनाउल्लाह साकिब है और मेरी 20 साल उम्र है। हम 8 भाई और 3 बहनें हैं और मेरे वालिद की सरकारी मुलाजमत इनकम टैक्स में अफसर है और मैंने लश्कर के जो कैंप मानसेरा गढ़ी अबीबुल्ला में 21 दिन की ट्रेनिंग की पहले, उसके बाद 5 महीने का दौरा है खास मुजफ्फराबाद में। पहले तो हम 2 महीने दक्कन में रहे, उसके बाद 2 महीने हम बोर में और आखिरी महीने में अक्सा में रहा। न्यूज 18 इंडिया के पास पाकिस्तानी आतंकी जबीउल्लाह का पूरा पता ठिकाना है और ये जानकारी हमारे पास है। दरअसल आतंकी जबीउल्लाह का पूरा नाम जबीउल्लाह हमजा है। उसकी उम्र 20 साल, जन्म स्थान मुल्तान शरीफपुरा, पता आपको बता दें, बोसन रोड महमूद कोट गली नंबर 1 मकरास के पास इनबुल कासिम मुल्तान, और थाना न्यू मुल्तान, जिला मुल्तान, राज्य पंजाब, देश पाकिस्तान। और आपको बता दें कि मोबाइल नंबर भी हमारे पास है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम पूरा नंबर आपको नहीं बता रहे हैं। इस आतंकी के पिता का नाम सनाउल्लाह साकिब, इनका पेशा है इनकम टैक्स अधिकारी हैं इस आतंकी के पिता। पता है नवान शहर मुल्तान और पाकिस्तान में इनका घर है। फोन नंबर सुरक्षा कारणों से हम आपको नहीं बता रहे हैं। दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर क्रांतिकारी युवा संगठन के बैनर तले कुछ लोग तूतुकुड़ी में हुई हिंसा के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार पर वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार से वेदांता को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए तूतुकुड़ी में हुई हिंसा पर तमिलनाडु सरकार को भी घेरा। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई तख्तियां और पोस्टर भी दिखे, जिन पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। They are protesting peacefully and they are attacked by the police.
वी डिमांड इमीडिएट रेजिग्नेशन ऑफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तूतुकुड़ी में हुई हिंसा में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू रिजाइन देन द तमिलनाडु गवर्नर शुड डिसमिस द गवर्नमेंट। प्रदर्शनकारियों ने देश में वेदांता के दूसरे प्लांट के विरोध में भी प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ जांच की मांग की। जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आए पाकिस्तान के जिंदा आतंकी ज़बीउल्लाह ने पूछताछ में कबूल किया कि लश्कर के कैंपों में उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारी 2018 में बर्फानी क्लास हुई, बर्फानी क्लास में हमें बर्फों में रहना सिखाया कि बर्फ में रहना चलना, सारा सामान हमारे पास वो बर्फानी का था, बर्फों का। और उसके बाद GPS वायरलेस, इसकी हमें दोबारा से प्रैक्टिस करवाई और निशानाबाजी, फायर, ब्रस्ट फायर भी करवाई, आड़ में फायर करना भी सिखाया। ये 2 महीने हमारी जो मुजफ्फराबाद KFC में बर्फानी क्लास चली, ये KFC कैंप है मुजफ्फराबाद, KFC लश्कर का, और इसमें लश्कर की फिदाइन ट्रेनिंग भी होती है। रेल हादसों के मामले में मार्च 2017 में खत्म हुआ साल बेहद खराब रहा। 2010 के बाद से रेल हादसों में सबसे ज्यादा मौत इसी साल हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी यह खबर के मुताबिक कारोबारी साल 2016 में कुल 103 रेल हादसे हुए जिनमें 195 लोगों की मौत हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा हादसे रेलों के पटरी से उतरने के रहे। कुल 103 हादसों में 77 हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से हुए। 20 हादसे ऐसे हुए जब क्रॉसिंग पर ट्रेन किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। 5 हादसे ऐसे हुए जब दो ट्रेनें आपस में ही टकरा गई। इनमें कुछ मामले ऐसे भी रहे जब एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ गई। तो एक हादसा ट्रेन में आग लगने की वजह से हुआ। हैरानी की बात यह कि इनमें 64 हादसे यानी करीब 2/3 हादसे ह्यूमन एरर यानी रेलवे के स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुए। 22 हादसे ऐसे रहे जिनमें रेलवे के स्टाफ या रेलवे की तकनीक का कोई दोष नहीं था बल्कि किसी और की गलती से ऐसा हुआ। केवल 2 हादसे ऐसे रहे जिनमें रेलवे की मशीनरी या किसी कलपुर्जे के खराब होने को वजह माना गया। ये रिपोर्ट मार्च 2017 तक की है, फिर भी दावा किया गया है कि 4 हादसों के कारण की जाँच अब तक जारी है। इससे पहले 2010 में 235 लोगों की जान रेल हादसों में गई थी, लेकिन उसके बाद रेल हादसों में कमी आई। 2011 में रेल हादसों में 100 लोगों की मौत हुई, 2012 में 60 लोगों की जान रेल हादसों में गई, तो मार्च 2013 में साल जो खत्म हुआ ये गिनती और कम होकर केवल 42 पर पहुंच गई। 2014 में यह आंकड़ा फिर बढ़ गया और 118 लोगों की जान रेल हादसों में हुई और 2015 में यह आंकड़ा सबसे छोटा रहा। इस दौरान रेल हादसों में 40 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच सिर पर मटका लिए कई महिला कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगी। इन सभी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोला। टक्कर में प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने की, जो भीड़ के बीच एक गाड़ी में सवार थे। केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता निगम कमिश्नर के दफ्तर पर पहुंचे और गेट के बाहर से ही मटकों को अंदर फेंकना शुरू कर दिया। कमिश्नर दफ्तर के बाहर कांग्रेस का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा और आखिर में प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम करने समेत और मांगे भी शामिल थी। केंद्र सरकार के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की और निगम दफ्तर पहुंचने से पहले एक सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद शहर के बीचों बीच साइकिल और बैलगाड़ी में रैली निकाली गई और सारे कार्यकर्ता एक जगह जमा हुए। अगर डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए नहीं जाते तो उस संबंध में भी एक बड़ा आंदोलन हम रीवा जिला में करेंगे। कांग्रेस ने ये चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही महंगाई को कम नहीं किया तो वो इस मुद्दे पर देश भर में आंदोलन करेगी।